दोस्तों आप सभी का बीटा किचन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैंने यहाँ पे भेड़वी कचौड़ी की मथुरा के जैसे बनती है मथुरा में जी, वैसे ही मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बनाई है। आप दोस्तों इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए भेड़वी कचौड़ी की सब्जी कितनी टेस्टी और कितनी शानदार। चलिए हम आपको ये बनाना सिखाते हैं। दोस्तों आज हम यहाँ पे भेड़वी कचौड़ी की सब्जी बनाना सिखा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए कढ़ाई पहले से ही गर्म करने के लिए रख दी है। अब इसमें दोस्तों हम यहाँ पे 30 ग्राम ऑयल डालेंगे। हमने यहाँ पे लगभग 30 ग्राम ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा जब अच्छे से गर्म हो जाएगा दोस्तों, तब हम इसमें जीरा डालेंगे। दोस्तों तेल गर्म हो गया है तो हम इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देते हैं। ये देखिए हमारा जीरा गर्म हो गया है। अब इसमें हम 2 तेज पत्ता डालेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम 2 लौंग और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी का प्रयोग कर रहे हैं, साथ में डाल देते हैं। साथ ही में दोस्तों हमने यहाँ पे 5 हरी मिर्च लिए हैं बारीक कटी हुई, इनको भी हम डालेंगे। और गैस को दोस्तों हमने धीमा कर दिया है, इससे सारे सामान गल ना जाए। यह है अदरक का टुकड़ा 1 छोटा, उसको हमने पेस्ट तैयार किया दोस्तों घिसके। तो हम 1 छोटे टुकड़े का अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। और यहाँ पे हम 1 बड़ा टमाटर का कटा हुआ डालेंगे दोस्तों। अब इन सब्जी को हमें अच्छे से भूनना है। तो दोस्तों इसी तरह हमें अपने टमाटर की ग्रेवी तैयार करनी है, भून करके ये मसाले पकाने हैं। साथ में दोस्तों हम इसमें आधा चम्मच हल्दी डाल देते हैं और 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। अब दोस्तों ये जब तक अच्छे से पेस्ट तैयार नहीं हो जाएगा इसका टमाटर, आपको ये देखिए हमारी टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, इसकी हल्की ग्रेवी तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पे बॉयल, दोस्तों हमने यहाँ पे बॉयल किए हुए 5 आलू लिए हैं, इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से फोड़ लेते हैं, अच्छे से मैश कर लेंगे छोटे छोटे पीस में। बहुत बड़े पीस नहीं कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे भेड़वी की सब्जी बना रहे हैं कचौड़ी की। तो देखिए हमने ये सारे आलू मैश कर लिए अच्छे से। अब हमने जो ग्रेवी तैयार की है दोस्तों, हम इसमें सारे आलूओं को एक साथ डाल देते। देखिए ये सब्जी दोस्तों 6-7 लोगों से तैयार की जा रही है यहाँ पे। और दोस्तों सारे मसालों को अच्छे से हमें मिक्स करना है। यहाँ दोस्तों हमने 1 चम्मच छोटी चम्मच जो है खाने वाली गरम मसाला लिया, इसको हम साथ में डाल देते हैं। यहाँ पे 8-10 काली मिर्च कुटी हुई है, इन्हें भी हम डालेंगे। और 1/4 चम्मच हमने यहाँ पे सौंफ का इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच हम यहाँ पे ले रहे हैं ये कस्तूरी मेथी। तो दोस्तों हम इन दोनों को एक साथ डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से हमें सारे सब मसाले मिलाने हैं। ये देखिए दोस्तों हमारे सारे मसाले और टमाटर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं आपस में। अब हम यहाँ पे 1 गिलास पानी डाल रहे हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे 1 गिलास पानी डाला है दोस्तों। यहाँ 1/2 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच हम यहाँ पे नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक रखिएगा। तो दोस्तों इसमें हम 1/4 गिलास पानी अभी और ऐड कर देते हैं, क्योंकि जब सब्जी हमें ढक के खोलानी है, जब तक इसमें अच्छे से बुलने और खोल नहीं हो जाएगी तब तक हम इसे पकने देंगे। तो हमने यहाँ पे 1/4 गिलास पानी डाल दिया है। अब इसे हम ढककर पकाएंगे 5-10 मिनट के लिए और हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी। तो चलिए हमने इसे ढक दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो चुके हैं पूरे। अब देखिए हमारी भेड़वी की सब्जी कितनी अच्छे से तैयार हुई है। और दोस्तों आप इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप घर पे आए हुए मेहमानों के लिए घर से बना करके उनके लिए भेड़वी कचौड़ी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम गैस को बंद कर देते हैं। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक यू।